तो ये देखिए अभी सब फैल गया है फिर से। ये देखिए मैं ऑनलाइन मंगाई थी इसको बस कपड़ा रखने के लिए, सब टूट टाट गया है। इसको फिर से जा रही हूँ सही करने। इसको सही करने के बाद सब फोल्ड करके रखूँगी और आधा सामान मैं बेड में रखूँगी। बेड के अंदर दिया है बॉक्स की तरह, तो बॉक्स में रखूँगी। मैं भूल जा रही हूँ क्या बोलना है मुझे। अब ये सब करना पड़ेगा मुझे खुद, इसको सही के पूरा रखना पड़ेगा। और देखते हैं, ब्लॉग में बने रही है। आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद फिर बेड के अंदर बॉक्स दिया, बेड में कपड़ा सब फोल्ड करके रखूँगी, उसमें सब नया नया अपना कपड़ा रखूँगी, ठीक है। तो ब्लॉग में आप लोग बनी रहिए। तो फाइनली ये पूरा बन के रेडी हो गया। अब इसमें ये सब जाएगा। फाइनली ये पूरा हो गया। अब चलते हैं, बेड की बारी है। तो अभी ये इतने सारे कपड़े पूरे फैले हुए हैं मेरे, सारे ये सब नए कपड़े हैं। तो अभी ये सबको जा रही हूँ फोल्ड करके बेड के अंदर रखने, ये जो बॉक्स दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ फोल्ड करने सारा कपड़ा, तब लोग बने हुए ब्लॉग में। तो सबसे पहले पूरे कपड़े को बाहर निकाल देती हूँ जितना पहले से इसमें सब बिखरा हुआ था। तो उसके बाद सब धीरे धीरे एक एक करके फोल्ड करके रखूँगी। बाप रे कितना सारा कपड़ा है, फास्ट कर देती हूँ वीडियो को, फास्ट फास्ट। इसमें हो गया और इसमें बचा है, तब इसमें रखूँगी। इसमें जीन्स टॉप वगैरह सब नीचे का जितना है सब रखूँगी, और इसमें ऊपर का मतलब नहीं उसमें जीन्स रखूँगी और इसमें ऊपर का टॉप वगैरह सब रखूँगी। तो फाइनली पूरा हो गया, देख सकते हैं आप लोग, पूरा भर गया। और अब इसके बाद चलिए बेड को मैं दिखाती हूँ, पहले सोफे को दिखाती हूँ, मतलब पहले बेड, दोनों एक ही है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा बेड, कितना प्यारा लग रहा है मुझे तो, बहुत बहुत ज़्यादा यार, बहुत मस्त लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करिए। देखिए ग्रीन पूरा मैचिंग भी हो रहा है पर्दे में। और इसके बाद चलिए मैं इसको सोफ़ा बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये सोफ़ा भी बन जाता है, चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए सोफ़ा भी बन गया, और इस पर मैंने अपने पांडा मतलब कि शुभम जी को मैंने बैठा दिया है इस पर। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा एकदम नज़र ना लगे मेरे रूम को, मेरे बेड को, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तगड़ा चीज़ है, एकदम तगड़ा लग रहा है। बेड भी बन जा रहा है और सोफ़ा भी बन जा रहा है, मस्त चीज़ है एकदम। सोफ़ा और बेड दोनों कैसा लगा, दोनों एक ही में है, तो आप लोग दोनों कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को, अगर आप लोग भी ले सकते हैं। बहुत मस्त चीज़ है यार, मुझे देखने में भी अच्छा लग रहा है। और जब मतलब कोई ना रहे तो सोफ़ा बना दो ऐसे बैठने के लिए, और जब ज़्यादा लोग बढ़ जाएँ तो उसको बेड भी बना सकते हैं सोने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये शुभम जी का पसंद था, वही पहले दुकान पे गए देखे, बोले कि एकदम तुम्हारे लायक, मतलब मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो बोले कि आओ देख लो तुमको अच्छा लगेगा तो ले लेना। तो मुझे तो अच्छा लग गया, एक पहली नज़र में अच्छा लग गया, तो मैंने उसको ले लिया और आके घर पर सेट भी कर दिया। अच्छा लग रहा है ना, आप लोग कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करते रहिए आप लोग। देखो जी, और ये देखिए शुभम जी भी आ गए, और ये अभी गए थे लोग जमीन देखने, ये और ये और ये। पहले देखो रास्ता कैसा है, देखो इधर ये कहाँ गया यार, ज्यादा पीछे ऐसे नहीं होगा। ये वाला ये जमीन था ये वाला, और ये इतनी पतली रास्ता है, दो चक्का खाली जाएगा, और ये पूरा गाँव। ये वाला जमीन देखो सही है, ये वाला, ये पूरा प्लॉटिंग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और ये देखो, तो सब कुछ होने के बाद अब थोड़ा मुझे बोरिंग सा लग रहा था, तो शुभम जी आए थे मेरे घर, तो मैं सोची क्यों ना मैं भी इनके घर जाके घूम लेती हूँ, बस वैसे घूमने जा रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर आप लोग ऐसे ही बने रहिए, देखते हैं फिर क्या होता है। फिर इनके घर जाते ही हमको अपने घर ले जाके अच्छा अच्छा चीज़ खिलाएंगे पिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे, ऐसे ही बनते तो इतना मजा आता है ना। रेस्टोरेंट ले जाते तो फिर भी एक मेहमान जाता है तो कुछ पानी नहीं पीता। मेहमान हो? तो मैं जा रही हूँ, मेहमान ही ना हम, तुम्हारे घर का क्या खिलाई बताओ, पानी में पिलाई हो? बहुत कुछ खिलाए पिलाए, घंटा खिलाई है। अगर तुम देखो तुम ऐसी खिलाई होती तो तुम ब्लॉग में दिखा दी होती। सच्ची में, लेकिन मैं कुछ खिलाई पिलाई नहीं हूँ, मतलब हम लोग बस मेरे दिमाग में, लेकिन मैं बोल के मतलब पहले से बता दे रही हूँ मैं आपके घर जा रही हूँ, तो मुझे अच्छा अच्छा चीज पहले तो बिस्किट लाइएगा पानी पीने के लिए, ठीक। ये तो बस गाड़ी देखते रहते हैं, नया लगा है ना। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या मुझे खिलाते पिलाते हैं, और इनके घर में, इनके घर जा रही हूँ, तो बने रही है आप लोग ब्लॉग में, फिर रात तक का ब्लॉग दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ओके बाय बाय।
ये भी जा रहे हैं खाने की बात हुई है तो बोले हैं कि जरूर ठीक है समोसा खिला देते हैं, तो गए हैं वहाँ पे समोसा लाने। ये रही मैं समोसा मैं खा रही हूँ। मिलते हैं खाने के बाद। और ये देखिए इतना सारा कपड़ा फैलाया है शुभम जी। आइए भाई उधर रखिए। किसका किसका दे रहे हैं शुभम जी? जे पहने बस, फेंकना नहीं चाहिए, मेरा कपड़ा फेंकाना नहीं चाहिए। मैं खरीदा हूँ कुछ लगा के तो मेरा एक भी कपड़ा कुछ फेंके ना। ये इनका सारा कपड़ा शूटिंग का है जो कि अब शूट करने के बाद अब ये नहीं पहन रहे हैं तो बोल रहे हैं कि देना है किसी को। ये किसको चाहिए कमेंट कीजिए, गिव अवे। देने वाला कपड़ा सब छटा रहा है। देने वाला कपड़ा उधर है। ये किसको चाहिए कमेंट कीजिए। ये किसको चाहिए कमेंट कीजिए। अब इसमें टैग भी लगा है। इसमें से क्या कर रहे हैं ये? तो पंखा उनका कमाल बड़ी इरिटेट करता है यार। क्या कर रहे हैं सोम जी? वाह ये तो गुफा खजाने का जरिए का क्या इसको बोलते हैं। अब इसमें से भी ये कपड़ा निकालेंगे। आज मैं भी अपने घर का सारा कपड़ा निकाल के इधर उधर की हूँ। ओ माय गॉड इतना सारा पतंग, ये कुल पतंगिया का हुई यार, कुल खिचड़ी में उड़ावे की कितना पतंग यार। ये शुभम जी का ही सब कारनामा है। यही कुछ भी होता है यार, दिवाली रहे या कुछ भी थोड़ा सा खरीदना रहता है तो बहुत सारे भंडार पूरा खरीद के लाते हैं। अब कपड़े का साफ सफाई कर रहे हैं हम लोग। जो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हम लोग जो नहीं यूज करते हैं वो सब लोग इधर उधर मतलब जिसको देने लायक रहेगा हम लोग दे देंगे। ठीक है तो हम लोग दे देंगे। मैं कोई भी सामान खरीदता हूँ तो इतना खरीदता हूँ कि जब मैं छोटा था तो हमको पापा नहीं कुछ दिलवा पाते थे। आज इसकी जात को इतना खरीद देता हूँ कि हमारे साथ साथ पूरा हमारा टीम एकदम उड़ा उड़ा के थक जाता है। तभी भी पड़ाका इतना लाते हैं कि सब फोड़ फोड़ के थक जाते हैं फिर भी नहीं खत्म होता है। पतंग इतना लाते हैं कि सब उड़ा 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 के उड़ा उड़ा के थक जाते हैं। इधर पतंग कितना है पता है तुमको? 100, 450, 450। अब इससे बचा हुआ खाली 60-70 है। 400 बाप रे बाप इतना सारा पतंग। लेकिन मुझे नहीं देते हैं यार ये पतंग, ये मुझे नहीं देते हैं। काहे जुड़वरी ब्लॉगवा में सब देते हैं। मुझे क्यों नहीं देते यहाँ पतंग? ये देखिए मुझे मार रहा है, ये देखिए मुझे मार रहा है। गद्दारी कर दूँ? तो फाइनली गाइस सोम जी घर से हम लोग निकल गए हैं कपड़ा लेके। कुछ इनको धुलने के लिए भी देना है, धोने के लिए देंगे, प्रेस के लिए देंगे और कुछ जो देना है वो सब मैं रखी हूँ। मैं अपने हिसाब से जिसको देना रहेगा मैं दूंगी। 250 कपड़ा है धुलने के लिए और प्रेस करने के लिए। तो अभी अब बस दिक्कत एक बात का है, कोई जूता धुलने वाला नहीं मिलता है, नहीं तो और मजा आता है। जूता धुलने वाला तो अभी अगर हम लोग धुलवा लेंगे तो बस 3-4-5 दिन में हम लोग का टूर होने वाला है जो आपको बताया था सरप्राइज, वो उसको भी कवर करना है। बाकी उसको आने के बाद उसके वो करना कुछ है। हुआ है क्या? हाँ, हुआ है। तो ठीक है गाइस मिलते हैं, अब मेरे घर चल के मिली है आप लोग हमसे। और ये फाइनली हम लोग अपने घर आ चुके हैं और 8:30 बज गया है। इन लोग का खिचड़ी खा रहे हैं ये लोग। नॉट खिचड़ी, इट्स वेरी अमेजिंग दिस। ये किसको किसको लग रहा है खिचड़ी है? ये आप लोग को खाना डेली खाना है ना आप लोग को? ये नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, जिम जो करते हैं वो लोग खाते हैं ना? नहीं तबीयत इसका खराब रहता है, मेरा तबीयत खराब है मैं खा रहा हूँ। और ये सब खिचड़ी मैं ही बनाई हूँ। कैसा बनाया तुम? आप झूठ बोलती हो यार। कैसा बनाया पहले बताइए। बना तो सही मगर बनाई तुम नहीं हो। दिन भर घूमी रही थी हमारे साथ तो बनाई कर रहे हैं। मम्मी बनाई है मेरी और अभी ये इसमें हम और विशाल दोनों लोग खाएंगे, इसलिए 2 चम्मच और ये लोग खा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग रील शूट करेंगे खूब अच्छा अच्छा। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी कहीं जाइएगा लोग मत करिए पूरा। ये 12 बजे तक का ब्लॉग चलेगा, ठीक है? लाइव चलेगा तो देखत रहा लो ब्लॉग और बन रहा लो। और ये देखिए अभी दीक्षा साक्षी आ गई हमारे घर, रील की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग रेडी होने से बाहर हम लोग कुछ कर रहे हैं। इसका पता नहीं क्या नाम है, हम लोग को नाम नहीं पता लेकिन हम लोग कर रहे हैं। सब अपने में बिजी है, शुभम जी का फोटो देखने में और शुभम जी का लड़कियों का फोटो देखने में बिजी है। देखिए इधर से ये बस लड़कियों के चक्कर में रहते हैं, कौन सी लड़की मुझे बस मैसेज कर दे। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और इधर उधर दीक्षा साक्षी रेडी हो रही है सब उधर। और फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ और अब इधर सेटअप लग रहा है हम लोग का।
12 बज गया है रात का। मैं व्रत हूँ, आप भी व्रत, मैं भी। आज से हम लोग का व्रत स्टार्ट हो गया, मतलब आज सोमवार है। और ये ये सवन जी हैं, और अभी अब जिस दिन एक ब्लॉग आएगा पर और इधर मेरा सब फिर से फैल गया, अभी सुबह सही हुआ था। ये खुशबू का है, ये मेरा डेची है छोटा सा, फैमिली खाते फोटो खींचा था। तो गाइस अभी एक प्रॉब्लम आ गया है कि यहाँ पे फूल नहीं आ पा रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे। अगर बैठ उठ के निकालेंगे तो निकाल सकते हो लोग यार, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ तो मेरा वहाँ बैठ के निकाल दिए थे, तो एक दो तुम लोग बैठ के लिए तीन टाइम निकालना तो निकाल लो। इतना प्यारा मेरा बेड लगा हुआ है, देखिए आप सब, छोटू सा प्यारा सा बेड। अभी इसको मैं आप लोगों को मैं सुबह में दिखाई हूँ कि बड़ा हो गया था बेड। ये मेरा छोटा सा बटलू है, आओ इधर आओ। बटलू नहीं, बटलू बुलावा लग मत आज हमारा नहीं, बटलू है। ये यशवंत जी हैं, वाह मेरा घर कितना प्यारा आ रहा है, वाह। ये देखिएगा इधर से मेरा घर और प्यारा आएगा, छोटा सा मेरा मेरा गाना ब्लॉग शूट हो रहा है, मेरा छोटा ही सा घर है लेकिन बहुत प्यारा लगता है यार। गाइस गाइस देखिए यार मेरा घर कितना प्यारा लगता है, ये घर की मालकिन है, ये छोटी मालकिन है, और मैं भी थोड़ा सा मालकिन ही हूँ घर की। तो गाइस अभी देखिए बहुत खतरनाक वाला रील शूट हो रहा है हम लोग का, एकदम खतरनाक वाला। ये गाना है यशवंत भैया बताए वीडियो बनाने के लिए, मगर हम लोग का वीडियो खत्म हो गया बनाना। 2 बज गया है, अब थोड़ा थोड़ा थक भी गए हम लोग, तो अभी हम लोग चलेंगे लूडो खेलेंगे थोड़ा। अभी पैसा लगाना है, 500 का टास्क होगा अभी, और बहुत तगड़ा तगड़ा मतलब वीडियो खेलेंगे हम लोग। तो चलिए बस ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा, कितना देख बालो मर्द, 2 बज गया रात हो गई, कितना देख बस करा रात हो गया। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और डेली कमेंट के लिए कमेंट, डेली कमेंट डेली ब्लॉग के लिए, सॉरी डेली ब्लॉग के लिए, डेली ब्लॉग के लिए, डेली मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहूंगी, डेली ब्लॉग के लिए डेली कमेंट कीजिए, डेली कमेंट कीजिए। थैंक यू देखने के लिए ब्लॉग, बाय बाय, लव यू।